पावर प्लांट के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होने का आरोप शुक्रवार को हुई पत्रकार परिषद में स्थानीय कंत्राधार कल्याण एसोसिएशन खापरखेड़ा ने लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महानिर्मिति पावर प्लांट खापरखेड़ा अंतर्गत इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस एवं नवीनीकरण के मामले में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। इससे न सिर्फ स्थानीय जन सामान्य फर्म ठेकेदारों का हक छीन लिया गया है, बल्कि सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा चुका है। इस नियम विरोधी कार्य को अंजाम देने में तत्कालीन मुख्य अभियंता मधुकर रघुनाथ शिलोकर से सी प्रकाश खंडारे तक की भूमिका अजीबो गरीब रही है। इस संबंध में खापरखेड़ा की भूतपूर्व सरपंच और स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रामटेकी की ओर से महानिर्मिति के वरिष्ठ अधिकारियों सहित महाराष्ट्र शासन को शिकायत का ज्ञापन सौंपा जा चुका है। जाहिर है कि इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस के कार्यों में पीडब्ल्यूडी के सीआरएस दर से 600 गुना अधिक दर में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्ताव तैयार किया गया। हमारा परिचय ये है, खापरखेड़ा स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, प्रेसिडेंट है श्री राम टेके साहब। हम इस कंडीशन में यहाँ पे आना पड़ा। नाम बताइए। पॉल, पॉल, वी एल पॉल, दूसरा अशोक राम टेके। इस परिस्थिति में हमको आना पड़ा। हम लगातार करीब 15 साल से खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट का महाजन को के अंडर में जो है उसके साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो अन्याय हो रहा है इलेक्ट्रिकल सेक्शन में, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो अन्याय हो रहा है, एक ही एजेंसी को लगातार 15 साल से वही कॉन्ट्रैक्ट मिलता जा रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट मिलता जा रहा है। वहाँ पे गरीब जो छोटा मोटा जो काम करते, कोटेशन मार्क में जो काम करते, उससे लेके कूलर मेंटेनेंस से लेके 1-1.25 करोड़ का काम तक का जो काम है वो सिर्फ एजेंसी को दिया जाता है। उसके लिए स्पेशल टेंडर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट बनाता है। और जो रेट जो है आज के तारीख में जो 15 रुपया सीएसआर का रेट है वो आज के तारीख में बढ़ के 450 रुपये हो गया। उसका इस तरीके से जो रेट बढ़ के काम लेना, काम देना, और जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसको 6 महीने में ख़त्म करना, इस तरीके से हमारे लोगों ने तो पूरा देश को ये नुकसान हो रहा है। स्लो पॉइसन है, एक तरीके से देखा तो स्लो पॉइसन है, किसी को मालूम नहीं है क्या हो रहा है, किस तरीके से रेट हो रहा है। तो हमने उसको पूरा निकाउत के निकाला, सामने रखा, एमडी के सामने रखा, लेकिन इसके लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके सेक्शन इंचार्ज से लेके उसमें बड़े अधिकारी, मतलब ये चीज़ हो रहा है इसमें एमडी तक का, इसमें सॉरी डायरेक्टर तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं हमको ऊपर से प्रेशर है, इसकी वजह से हमको ये करना पड़ रहा है, इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है। आप नाम बताइए ना, वो अधिकारी का नाम। अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके सी तक का सबका इन्वॉल्वमेंट है। आपने करप्शन की बात की है, करप्शन की बात कर रहा हूँ, कैसे हुआ है बताइए। करप्शन इस तरीके से हो रहा है ना, जो लगातार जो मोनोपोली चल रहा है उसका एक ही पार्टी को काम मिलता जा रहा है, उसके लिए स्पेशल क्यूआर रिक्वायरमेंट बनाता जा रहा है उसका। अभी जैसा हमारे हम भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर हम काम करते हैं, हम एनटीपीसीएल में हमारा पास होता है टेंडर, पीजीसीएल में पास होता है, तारापुर पावर प्लांट में हमारा टेंडर पास होता है, लेकिन खापरखेड़ा में हमारा टेंडर रिजेक्ट होता है। पॉलिटिकल सपोर्ट के बारे में हमको नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। हाँ, इस मामले में इस मामले में स्थानीय आमदार भी 2 साल पहले कंप्लेन लिखा था, सबको हमने नोटिस उसका लेटर कॉपी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। करप्शन कैसे हुआ? मामले की शिकायत होते ही अधिकारियों को उप टेंडर स्थगित करना पड़ा। अधिकारी आखिर दूसरे निविदा आमंत्रित करने को तथा नए टेंडर में कीमत कम करना पड़ रहा है। इस मामले की शिकायतकर्ता भूतपूर्व सरपंच रामटेके का मानना है कि अभी तक इस प्रचंड घोटाले में लिप्त कोई भी सैंक्शन इंचार्ज और अधिकारी जिम्मेदार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण सभी अधिकारियों के हाथ बंधी हुए है। फिर इस गैर कानूनी षड्यंत्र का जिम्मेदार कौन है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।